हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मेरे चीक्स इस वक्त कितने ज़्यादा पिंक लग रहे हैं, जबकि मैंने किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया है। मेरे चीक्स नेचुरली पिंक हैं, रोजी चीक्स हो गए हैं मेरे, जैसा कि सभी चाहते हैं कि उनके चीक्स भी बिल्कुल पिंक से हो जाएँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी, और अगर आप इसे फॉलो करने लगेंगे तो आप भी अपने चीक्स को मेरे चीक्स की तरह बहुत ही सुंदर और पिंक कर लेंगे। और इसके लिए हमें सिर्फ दो सिंपल से स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। तो इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट स्टेप पर जाएं, मुझे आपसे एक और चीज़ कहनी है कि ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, आप आराम से इसे फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है आपकी स्किन को। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की कि आपको कैसे क्या करना है। तो हमारे फर्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है एक बीट रूट यानी कि चुकंदर। आपको चुकंदर को कद्दूकस में ग्रेट कर लेना है पूरी अच्छी तरीके से, जैसा कि इस वक्त मैं कर रही हूँ। आप पहले तो एक चुकंदर को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। उसके बाद में आपको ग्रेटेड चुकंदर को एक छन्नी की हेल्प से अच्छे से एक बाउल में छान लेना है। आप चम्मच से धीरे धीरे पुश करिए और काफ़ी आसानी से चुकंदर को जो भी रस होगा वो आराम से बाउल में निकल आएगा। तो पहले तो आप ये कर लीजिए। और एक चुकंदर में जितना भी रस निकलता है, हमें उतनी ही रस की ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने ही में हमारा काम आराम से हो जाएगा। इसके बाद हमें दो चम्मच चुकंदर का रस लेना है, एक अलग बाउल में आप इसे निकाल लीजिए। और एक स्क्रब लेना है। स्क्रब में मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने इसमें पिसी हुई चीनी यूज़ करी है और चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर यूज़ किया है। और इन तीनों को मिक्स करने के बाद में हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। आप हाथों से ही इसे अप्लाई करिए और पूरे फेस पर आपको एक्चुअली इसे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने चीक्स को ही पिंक करना है, इसलिए सिर्फ चीक्स पे ही हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड अप्लाई करने के बाद में आपको इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहना है, जैसे कि इसमें कर भी रही हूँ, सर्कुलर मोशन में ही आपको इसे करना है। देखिए, चुकंदर में आयरन, फॉस्फोरस और प्रोटीन बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है, और इसी वजह से यह हमारे स्किन को पिंकिश करता है, यानी कि इसके यूज़ से हमारे फेस पे पिंकिश ग्लो आ जाता है। और इसमें विटामिन सी भी होता है, और इस वजह से ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को सही करता है। तो काफ़ी तरह से फ़ायदेमंद होता है हमारे स्किन के लिए। और लगभग आपको इसी तरह से 10 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करते रहना है। 10 मिनट तक मसाज करने के बाद में आप ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए एंड आप टॉवल से अपने फेस को पोंछ लीजिए। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की कि आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है। तो हमारे सेकेंड स्टेप के लिए हमें लेना है दो चम्मच क्रीम यानी कि मलाई। आप दो बड़े चम्मच मलाई एक अलग बाउल में ले लीजिए। और उसके बाद हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। आप नेचुरल प्लांट का एलोवेरा जेल या फिर मार्केट में जो भी एलोवेरा जेल अवेलेबल है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम इसमें दो चम्मच चुकंदर का रस ऐड करेंगे। फिर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में बहुत ही अच्छा कलर बन जाएगा, जैसा कि अभी आप इसे देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। पूरी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, और इस मिक्सचर को भी हम अपने हाथों से ही अपने चीक्स पर अप्लाई करेंगे। पहले 5 मिनट तो आप सर्कुलर मोशन में इसी तरह मसाज करते रहिए, और 5 मिनट के बाद में आपको कुछ सिंपल से फेशियल स्टेप्स करने हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ रखना है, फिर ऊपर की तरफ अपनी उंगलियों को ले जाना है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। इसी तरीके से आपको करते रहना है। और अगर आपको कुछ और फेशियल स्टेप्स आते हैं तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो लगभग इसी तरह 10 मिनट तक करने के बाद में आपको ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद में आपको टॉवल से अपने फेस को पोंछ लेना है। पोंछने के बाद में हमारे दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे चीक्स पूरी तरीके से पिंक हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी बिना मेकअप के यूज़ के अपने चीक्स को पिंक कर सकते हैं सिर्फ दो स्टेप्स को फॉलो करके, और आप इसे ज़रूर करिएगा। आपके चीक्स भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे, और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर फॉलो करने लगेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूल